अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहीम बट व्लॉग्स। सो गाइस, कल के मैचेस की बात करते हैं। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के मैचेस होने जा रही हैं पाकिस्तान के लिए, अपनी जो टीमें खेल रही हैं उनके अपने लिए तो होने जा रही हैं, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के मैचेस होने जा रहे हैं। और जिम्बाब्वे के साथ तो पाकिस्तान की कुछ बहुत ज़्यादा दुआएं, एक्स्ट्रा किस्म की पाकिस्तान की वहाँ की दुआएं जो हैं वो जिम्बाब्वे के साथ हैं। क्योंकि जिम्बाब्वे किसी भी तरह कुछ भी करे भाई, कुछ भी करे उनके मुंह फाड़ दे, इंडिया की टीम के सर फाड़ दे, लेकिन इंडिया वालों को किसी तरह हरा दे ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। तो भाई पाकिस्तानी टीम ने भी बहुत अच्छा कमबैक किया है, एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। पहले हमें शिकायत होती थी कि मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, मिडल ऑर्डर चल रहा, अब हमारा मिडल ऑर्डर माशाल्लाह बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस दे रहा है। ओपनिंग उस हिसाब से नहीं दे रही एक परफॉर्मेंस, लेकिन मिडल ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। थोड़ी सी रोशनी डालते हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है अभी एक दिन पहले, उस पर क्या ज़बरदस्त बैटिंग की हारिस ने, क्या ज़बरदस्त बैटिंग थी उस बंदे की यार। उसको कहाँ रखा हुआ था यार वो बंदा, छुपा गए, इतने मैचेस में उसको खिलाया नहीं है, अब उसको निकाला यार, कमाल है यार, कहाँ रखा हुआ था वो। ये तो बंदूकें इन्होंने, अच्छी बंदूकें तो इन्होंने छुपा के रखी हुई थी, बाकी वो बहुत अच्छा खेला है, कॉन्फिडेंस के साथ खेला, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने शॉट्स खेली हैं। तो उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अगले मैच में भी बहुत अच्छा खेलेगा। ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, जिस तरह फिर पाकिस्तान की विकटें गिरना शुरू हुई, लग तो नहीं रहा था कि स्कोर इतना जाएगा, 180 प्लस स्कोर हो जाएगा इनका, लेकिन मैं कहता हूँ क्या ही बात है, इफ्तिखार चाचू की। वो कहते हैं ना कोई एक घर का बड़ा होता है कि वो पूरे घर को अपने साथ लेके चलता है, उस टाइम इफ्तिखार ने वो काम किया कि वो सारे घर को, पूरी टीम को अपने साथ लेके चला। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है इफ्तिखार भाई ने, और सॉरी भाई नहीं, इफ्तिखार चाचू ने, और उनका साथ देने के लिए फिर आ गए मैदान में शदाब भाई। शदाब भाई की तो क्या ही बात है, पूरे पाकिस्तान की लड़कियों का तकरीबन क्रश है वो शदाब खान। उसकी क्या ही बात है, क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है उन दोनों ने, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की कश्ती को पार लगाया। डूबती कश्ती थी पाकिस्तान की, उस टाइम डूब रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम इतना ज़्यादा टारगेट दे सकेंगे इनको, फिर पार लगाया। फिर बारिश हो गई बीच में और एक दफ़ा दिल डर गया कि कहीं एक एक पॉइंट्स हो जाएगा, कि बाद पॉइंट्स पर आ गई तो पाकिस्तान क्या कर सकेगा, सेमीफाइनल में जा ही नहीं सकेगा। लेकिन फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब पाकिस्तान की दुआएं से बारिश रुक गई और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ दोबारा अगेन, और बहुत मज़ा आया, इसको एंजॉय किया, बहुत अच्छा था। दुआ है कल के मैचेस में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करे और जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं जिम्बाब्वे के साथ, जिम्बाब्वे किसी ना किसी तरीके से इंडिया को हरा दे बस। लोग तो दुआएं मांग रहे हैं, अब बारिश हो जाए, किसी तरह एक एक पॉइंट भी हो जाए और पाकिस्तान अपना मैच जीते, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में बारिश हो जाती है और पाकिस्तान बांग्लादेश को बीट कर देता है तो पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन देखते हैं अब कल के मैचेस में क्या होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल का मैच देखने के लिए भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दुआ तो यही है, अभी भी दिल से ना वो चीज़ नहीं जा रही है यार, पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा। अभी भी दिल में ये है कि हाँ यार पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, अभी भी नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान टीम वापस आ जाएगी, यही लग रहा है कि यार नहीं हम सेमीफाइनल खेलेंगे, इंशाल्लाह फाइनल्स में भी जाएंगे। लेकिन अब देखें क्या होता है, अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करें, अपनी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपनी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।